विधायक कैलाश कुशवाहा बोले, उपचुनाव में भाजपा घबरा गई है, इसलिए अब FIR करवा रही है। इनसे ना तो नेताओं पर फर्क पड़ेगा और ना ही जनता पर। कुराहल में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आए कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा बोले कि अभी हाल ही में 2 दिन लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कांग्रेस प्रत्याशी पर जो बीजेपी के इशारे पर FIR करवाई गई है, ये साफ साफ दर्शाता है कि कांग्रेस की रैली में उमड़े महाजन सैलाब को देखकर बीजेपी प्रत्याशी हार के डर से बौखला चुके हैं और प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहते हैं। संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नामांकन रैली निकाली जा रही थी तो भाई बीजेपी वालों ने अब FIR करा दी है, तो जो बड़े नेताओं पे FIR हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखो भाजपा घबरा रहे हैं, भाजपा की नेता और भाजपा के कैंडिडेट, इसलिए वो कांग्रेस के नेता FIR का फार्मूला ढूंढ रहे हैं और FIR करा रहे हैं, लेकिन इन FIRों से ना नेताओं पर फर्क पड़ना ना जनता पर फर्क पड़ना। जनता ने मन बना लिया है तो मन बना लिया है, वो तो इतना जानती है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा, शोषण करने के अलावा और जनता को धोखे देने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए जनता सतर्क है। और चाहे कितने ही FIR करा लें, कितने ही आरोप लगा लें, लेकिन मुझे विश्वास है कि वोटरों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मन बना लिया है कांग्रेस को जिताना है तो जिताना है। क्या लग रहा है ये प्रशासन का दुरुपयोग, लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग होने लगा है प्रशासन का भी? इसे इतिहास गवाह है कि भाजपा ने सत्ता काल में सत्ता का दुरुपयोग किया है, शासन का दुरुपयोग करने में माहिर है वो, और करने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हम भी इस बार सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को छोड़ेंगे भी नहीं।